बांग्लादेश के नेशनल डिफेंस कॉलेज, उनकी तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन था जिन्होंने तुर्किया की बैरक्तर नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया। यहाँ उन्होंने इस कंपनी के जो हेड हैं उनके साथ मुलाकात की और यहाँ उनको अकंजे ड्रोन का एक मॉडल। बांग्लादेश एक नया कारनामा करने जा रहा है और ये नया कारनामा है कि बांग्लादेश तुर्की से कुछ नए ड्रोन लेने वाला है। रिसेंटली टाइम में हमने आपके साथ कई रिपोर्टें शेयर की, बताया कि बांग्लादेश तुर्किया से फाइटर जेट भी लेने वाला है और कुछ ड्रोन भी लेने वाला है। तो आपके साथ शेयर करेंगे कि बांग्लादेश तुर्की से ही क्यों ड्रोन ले रहा है, बाकी ममालिकों से भी तो ले सकता है जिसमें चाइना और फ्रांस भी मौजूद है। तो चलिए आइए आपके साथ शेयर करते हैं ये रिपोर्ट और आपको बताते हैं कि बांग्लादेश आखिर तुर्की से ही क्यों ड्रोन ले रहा है। पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वेलकम टू इमरात। दोस्तों दो हम चीजों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से एक नोटम जारी किया गया है बहरा अरब के ऊपर, अरेबियन सी पर। ये जो नोटम जारी किया गया है एक मिसाइल टेस्ट के हवाले से, इसके बारे में एक नई बहस शुरू की है और इस पर मुख्तलिफ साइड्स मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रही हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि बांग्लादेश की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन ने तुर्किया का दौरा किया है। वहां उन्होंने बेकर टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया, जहां से ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि फ्यूचर में साउथ एशिया रीजन में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दूसरे नंबर पर अकंजे हेल यूसीएवी को खरीदने वाला है। दोस्तों बगैर किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं। तो पाकिस्तान की तरफ से एक नोटम जारी किया गया है। नोटम बेसिकली एक नोटिफिकेशन होता है जिसमें आप एक खास एरिया को मार्क करते हैं और बता दिया जाता है कि इस खास एरिया में मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगी या कोई मिसाइल टेस्ट होगा या कोई भी नया वेपन टेस्ट किया जाएगा। सो इस जगह की एयर स्पेस को बिल्कुल खाली रखा जाए। यहाँ पैसेंजर प्लेन्स को नोटिफाई कर दिया जाता है कि आपने इस एरिया के ऊपर से नहीं गुजरना, वरना उसके बाद जिम्मेदारी आपकी होगी। और ये नोटम जारी करना एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। इंडिया में भी मल्टीपल टाइम्स नोटम जारी किए जाते हैं जब कोई मिसाइल टेस्ट करना हो या कोई एयर टू एयर वॉरफेयर की एक्सरसाइज हो। अभी तक की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान 14 से 15 मई के दरमियान एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। इसके बारे में कुछ हल्कों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि इसकी जो रेंज बताई गई है इस पूरे नोटम की वो 1300 किलोमीटर के आसपास है। 1300 किलोमीटर की लंबाई पर इस मिसाइल को फायर किया जाएगा। असल बात यह है कि इसके बारे में इस वक्त काफी सीक्रेसी रखी जा रही है या मिस्टीरियसली इसके बारे में हिंट दिए जा रहे हैं कि कुछ डिफरेंट सी चीज आ रही है। सो यहाँ बहुत से मुक्तदर हल्के ये भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करने जा रहा है। अगर इस वक्त साउथ एशियन रीजन में देखा जाए तो रिसेंटली हमने एक MIRV मिसाइल्स की रेस देखी, यानी कि पाकिस्तान ने अबाबील MIRV कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया 2023 के बिल्कुल एंड में। उसके बाद हमने 2024 में देखा कि अबाबील मिसाइल को एक नए कैमोफ्लाज के साथ पाकिस्तान में ऑपरेशनल कर दिया गया। इसी दौरान इंडिया ने भी टेस्ट किया अपने अग्नि 5 MIRV कैपेबल मिसाइल का। इससे पहले अग्नि 5 मौजूद था लेकिन उसमें मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स नहीं थी, इंडिया ने उन्हें ऐड किया। और अब आने वाले वक्त में ये MIRV कैपेबल जो अग्नि 5 मिसाइल है इसके मजीद टेस्ट होंगे और इंडिया इससे अपनी फ्लीट में लेकर आएगा। कहने की बात यह है कि साउथ एशियन रीजन इस हवाले से बहुत ज्यादा अहम समझा जाता है, जहां अगर एक फ्रीक के पास अगर एक टेक्नोलॉजी आती है तो दूसरा फ्रीक फिर सर तोड़ कोशिश करता है उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए या इस टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप करने के लिए। इस दौरान हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सबसे पहले ये क्लेम कर दिया कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी मौजूद है। हमने उस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। उसके बाद इंडिया ने अब रिसेंटली किया कि एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को बहुत बड़ी तादाद में अपनी एयरफोर्स में वो लेकर आए, यानी कि एक नई डॉक्ट्राइन को अपनाया गया। अब सेम यही काम इस नए मिसाइल टेस्ट को लेकर आए। ये तो 14 से 15 मई के दरमियान ही पता लगेगा कि कौन सा मिसाइल टेस्ट होगा। हो सकता है कोई पुराना मिसाइल ही हो, नए फिजिकल पैरामीटर्स को और दूसरे बहुत से डोमेन्स को टेस्ट करने के लिए मिसाइल टेस्ट किया जाए। लेकिन अगर ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होता है और हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करता है पाकिस्तान, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में ये नए बाब का इजाफा होगा। एंड ऑब्वियसली उसके बाद इंडियन साइड पर से भी एक प्रेशर माउंट होता हुआ हमें दिखेगा, जहां इंडियन साइड पर ये प्रेशर माउंट किया जाएगा कि आप भी जल्द अज जल्द एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करें। लेकिन कबल इस वक्त कुछ भी कहना बिल्कुल इमेच्योर होगा। ये बुनियादी तौर पर कुछ हल्के ये बात कर रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हो सकता है, तो हमने भी आप तक उनकी बात पहुंचाई। अब अगर हम दूसरी अपनी अपडेट पर आए हैं, तो दूसरी अपडेट काफी अहम है बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश के नेशनल डिफेंस कॉलेज, उनकी तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन था जिन्होंने तुर्किया की बैरक्तर नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया। यहाँ उन्होंने इस कंपनी के जो हेड हैं उनके साथ मुलाकात की और यहाँ उनको अकंजे ड्रोन का एक मॉडल पेश किया गया। हम बैकग्राउंड में किजलेलमा अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को भी देख सकते हैं। रिसेंटली 2023 में ही बांग्लादेश एयरफोर्स ने टर्किश TB2 ड्रोन को अपनी इन्वेंट्री में शामिल किया। साउथ एशिया में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश
बांग्लादेश वो दूसरा मुल्क बना जिन्होंने TB2 ड्रोन को इंडक्ट किया। अब इस वक्त खबरें यूं चल रही हैं कि अकंजे हेल UCAV को बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। अकंजे एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है जो कि बॉम्ब ट्रक समझा जाता है अपने पूरे पेलोड को लेकर अपने साइज को लेकर। बांग्लादेश बुनियादी तौर पर शुरू में तो ये सोच रहा था कि हम महंगे फाइटर जेट्स ले लेंगे जैसे कि राफेल या यूरो फाइटर टाइफून। बांग्लादेश के बहुत से होस्टेंट अभी तक यही क्लेम करते आ रहे हैं कि वो लेंगे, पिछले 3-4 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई सॉलिड स्टेप उस तरफ देखने को नहीं मिला। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से UCAVs को खरीदा जा रहा है, यानी कि ड्रोन्स को खरीदा जा रहा है और वो ड्रोन्स जो अटैक करने के काबिल हों, क्योंकि बांग्लादेश पर हमने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, उस पर हमने बताया हुआ है कि बांग्लादेश का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है म्यांमार के साथ, क्योंकि म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान जो बॉर्डर है वहां बहुत सी प्रॉक्सीज हैं जो ड्रग का कारोबार करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है और इसका इल्जाम दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं। सेम एज जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोनों साइड एक दूसरे पर ब्लेम गेम करती हैं और इसको लेकर कई बार झड़पें भी हो जाती हैं। यहां तक देखा गया कि इवन दोनों एयरफोर्सेज एक दूसरे के मद्दे मुकाबले तक आती आती रह गई। अगर म्यांमार की एयरफोर्स को देखा जाए तो उनकी एयरफोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जबकि उसके मुकाबले में बांग्लादेश एयरफोर्स काफी हद तक वीक नजर आती है। उस वीकनेस को खत्म करने के लिए और अपनी स्ट्राइकिंग पावर को बेहतर करने के लिए ये इकदाम जरूर बांग्लादेश एयरफोर्स उठा सकती है कि वो UCAVs को अपनी एयरफोर्स में ले जाएं, यानी कि आर्म ड्रोन्स को। सो इस पूरे तनाजुर में अकंजे हेल UCAV को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना एक अच्छा कदम हो सकता है, बट ये एक शॉर्ट टर्म फायदा देगा। उसकी वजह यह है कि आप बेहतर से बेहतर ड्रोन भी खरीद लें लेकिन आपके जंगी तैयारी जब तक बेहतर नहीं है तो वो उन ड्रोन्स को अच्छी प्रोटेक्शन या फजा में हिफाजत नहीं पर फराम कर सकेंगे। और जब इन ड्रोन्स को फजा में हिफाजत नहीं दी जा सकेगी तो उनका हाल वही होगा जो यूक्रेन में TB2 ड्रोन का हुआ, यानी कि यूक्रेन की एयरफोर्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और इस वजह से TB2 ड्रोन मल्टीपल टाइम्स रशिया ने शॉट डाउन कर दिए और ऑलमोस्ट सारे के सारे तबाह कर दिए। तो यहाँ बेसिक सी डॉक्ट्राइन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रोन अच्छा काम करें तो आपकी एयरफोर्स इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो उन ड्रोन्स को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सके ताकि दुश्मन के जहाज उनको स्ट्राइक ना कर सके। सो ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो आप लोगों ने देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। देखे बांग्लादेश का डील हुआ था 2022 में तुर्किया से और कहा गया था कि बहुत सारे ड्रोन्स और फाइटर जेट्स बांग्लादेश जो है वो तुर्किया से लेगा, जिसमें कई सारे ड्रोन इनको डिलीवर भी हो चुके हैं और कुछ टेक्नोलॉजी पे बांग्लादेश के अंदर भी काम किया जा रहा है और वो बांग्लादेश ने खुद के मुल्क में कई सारे ड्रोन जो है वो बनाए हैं। अब नया रिपोर्ट यह आया है कि बांग्लादेश जल्द से जल्द कुछ नए ड्रोन अब तुर्किया से लेने वाला है। लास्ट वीक में हमने आपके साथ रिपोर्ट शेयर किया था कि बांग्लादेश फ्रांस से फाइटर जेट लेने वाला है, 5th जनरेशन के ये फाइटर जेट होने वाले हैं। तो बांग्लादेश डे बाय डे जो है वो इम्पोर्टेंट चीजों की तरफ जा रहा है अपने एयरफोर्स और अपने आर्मी को बेहतर बनाने के लिए। अगर अभी देखें तो एयरफोर्स के ऊपर काफी इम्पोर्टेंट चीजें बांग्लादेश कर रहे हैं, जिसके लिए ड्रोन ले रहा है, जिसके लिए फाइटर जेट ले रहा है और फाइटर जेट्स भी वो फाइटर जेट जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट से। तो ये बड़ा जबरदस्त हो रहा है इस टाइम पे। हमने कई सारे रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर किए जिसमें हमने ये भी कहा था कि भाई चाइना से कुछ फाइटर जेट्स बांग्लादेश लेने वाला है, कुछ फाइटर जेट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बांग्लादेश ने चाइना से ली, कुछ तुर्किया से ली, कुछ फ्रांस से ली। बट एक नया डील हो चुका है इस टाइम पे बांग्लादेश का तुर्किया के साथ और तो अब वहां से जो है वो फाइटर जेट्स और ड्रोन लेने वाला है। कुछ चीजें वो पुरानी डील्स में रह गई थी और कुछ चीजें इस डील में रह गई है जो कि बांग्लादेश बहुत जल्द ही तुर्किया से लेने वाला है। तो ये एक रिपोर्ट थी आपके साथ शेयर करी थी कि किस तरीके से बांग्लादेश इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर नजर रखते हुए तुर्किया से फाइटर जेट्स ले रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।